Hey guys, this is Zahid and you are watching Techno Seekers. And guys, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉपिक, हालांकि आप लोग ने पहले देख ही लिया होगा कि Admob versus AdSense which one is good. तो पहले मैं बात करूंगा Admob की और उसके बाद मैं बात करूंगा AdSense की. दोनों ही गूगल के प्रोडक्ट हैं गाइज, और दोनों की अपनी अपनी अलग अहमियत है. कुछ लोग Admob से अर्न करके कमा रहे हैं, कुछ लोग AdSense से अर्न करके कमा रहे हैं, और कौन सा बेटर है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा. और हो सकता है कि एंड तक आते आते आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कौन सा यूज करके क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर. तो मैं पहले बात करूंगा Admob का गाइज. तो Admob से समझ आता है कि Admob मतलब एड जो मोबाइल पे लगे. मतलब मैं और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि जो एप्स के अंदर आप लोग एड्स देख रहे होते हैं वो ज्यादातर Admob वाले होते हैं. हालांकि आजकल बहुत सारे और एड पब्लिशर्स आ गए हैं जिनका एड यूज करके आप लोग ऐप में यूज कर सकते हो. तो गाइज Admob से भी लोग अर्न कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं. अब Admob यूज कैसे होता है, जैसे लेट्स से कि मेरी एक ऐप थी टेक्नोपीडिया, मैं लिंक दे दूंगा आप लोग देख लेना. तो टेक्नोपीडिया में मैंने Admob के ऐड अपने ऐप में प्लेस किए और उसके बाद मैंने कर दिया अपडेट ऐप को प्ले स्टोर पे. तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई यूजर उसको इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद जब उसको खोलेगा ऐप को, तो विद इन अ 30 सेकेंड या 1 मिनट जितना भी हम लोग ने टाइमर लगाया होता है कि उस बीच में वो ऐड दिखे, तो वो ऐड दिखना शुरू हो जाती है. अगर उसका नेट ऑन है तो एक बार ऐड दिख जाती है, और अगर उसने क्लिक कर लिया तो हमें उसका मिलता है रेवेन्यू. तो इस तरीके से Admob से अर्निंग हो रही होती है. एक चीज मैं और बता दूं कि Admob से अर्निंग जो उसका कॉस्ट पर क्लिक है वो ज़्यादा होता है. जो आप YouTube वीडियोस पे जो CPC होता है आपका, जो क्लिक करके पैसा आ रहा होता है, वो उससे ज़्यादा Admob वालों को मिलता है. तो ये एक प्लस पॉइंट है Admob जो लोग यूज़ करते हैं. तो गाइस अब बात कर लेते हैं AdSense की. जो AdSense से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हैं यूट्यूबर्स. तो यूट्यूबर्स AdSense यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि YouTube जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, AdSense गूगल का प्रोडक्ट है. तो आपके जो भी ऐड आ रहे होते हैं वो AdSense के थ्रू ही आ रहे होते हैं, और उसके बाद आप उससे कर रहे होते हैं जनरेट रेवेन्यू. AdSense का और क्या क्या यूज़ होता है कि जैसे मान लो मेरा कोई ब्लॉग है, मेरी कोई वेबसाइट है, उस पर मैं अपने AdSense के ऐड लगा सकता हूँ, और जब भी कोई क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर ऐड को मेरी वेबसाइट पर जाके, तो उसके थ्रू भी मैं अर्न कर सकता हूँ गाइस. तो गाइज अब फॉलो अप कर लेते हैं. पहली चीज़, Admob जो है वो ऐप्स में यूज़ होता है अर्न करने के लिए. AdSense आपकी YouTube वीडियोस पे जो एड्स आ रहे होते हैं उसमें एड्स लगे होते हैं, आपकी ब्लॉग, आपकी वेबसाइट, इन जगहों से AdSense से आप अर्न कर रहे होते हो. तो गाइज जो क्वेश्चन था कि विच वन इज़ बेटर, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही अपने आप में कमाल चीज़ें हैं. Admob से डेवलपर्स कमा रहे होते हैं, और AdSense से वेबसाइट वाले, ब्लॉग वाले या एक यूट्यूबर कमा रहा होता है. एंड गाइज आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि Admob और AdSense क्या है और कौन सा आपके लिए बेटर है. तो यूज़ करिए उसको और स्टार्ट मेकिंग रेवेन्यू. आई होप कि आप लोग की वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर ना भूलें. शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों तक पहुँचानी है इस वीडियो को. मिलता हूँ मैं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय.